दोस्तों, अगर आप भी अपना टिकटॉक पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे टिकटॉक पे अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको साइड में मी का ऑप्शन मिला, उस पर क्लिक करना है, फिर साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से मैं आपको मोबाइल से करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ देख लेनी है, तो अभी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है आपको अपना। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट होने के बाद में आपको इसमें मोबाइल नंबर डालना है कोई सा भी एक, तो मैं मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको उस मोबाइल नंबर पे कोड आएगा, तो आपको वो ओटीपी डालना है इसके अंदर, और ओटीपी डालने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद में आपको एक पासवर्ड डालना होगा अपना, जो कि लॉगिन पासवर्ड होगा आपका। फिर उसके बाद में आपको अपना एक यूज़र नेम देना होगा। ध्यान रखना होगा आपको कि यूज़र नेम ऐसा देना होगा आपको यूनिक, जो कि किसी का हो नहीं, नहीं तो ये लेगा नहीं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं रॉक एम जे भाई के नाम से पहले से ही यूज़र नेम है, तो आपको एक रेड कलर का एरर आ जाएगा, जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिख रहा है। बाकी नीचे सजेस्ट करेगा आपको कि आपको इस यूज़र नेम को इस नाम से, मतलब 012 जो भी इसको ठीक लगता है उसके नाम से करके देगा आपको कि ये अवेलेबल है। तो अभी मैं दूसरा चेंज करके देखता हूँ, कैपिटल लेटर में करके देखता हूँ। तो दोस्तों ये भी हमारा है अभी, तो अभी मैं इसका पीछे से बी करके देखता हूँ कैपिटल में, ये भी है तो मैं इसका आई हटा के देखता हूँ, तब देखता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आई का मतलब ये यूज़र नेम अवेलेबल है। और उसके बाद मैं साइनअप पे क्लिक कर देता हूँ। साइनअप पे क्लिक करने के बाद में मेरी आईडी बन चुकी है। अभी मैं मी पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि मेरी आईडी बनी है नहीं बनी है। तो देख सकते हैं आप, मेरी आईडी बन चुकी है।